हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से मैं आ गई हूँ अपनी ड्राइवर सीट पे, मेरी तीन देवियों को लेके हम लोग जा रहे हैं घूमने। मैं उनको घुमाने जा रही हूँ, मैं खुद घूमने नहीं जा रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं तेनपुर, आंटी के रिश्तेदार है वहाँ पे। वैसे तो हम लोग सब आने वाले थे, लेकिन सब एक 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 करके खत्म कट कर दिया। नहीं, आज हमको ये काम है, उसको कॉलेज जाना है, उसको ट्यूशन जाना है, तो बची मैं ड्राइवर और ये मेरी तीन देवियाँ। अंकल और पापा ने भी मदद कर दिया कि हम लोग को काम है, तू लेके जा। ड्राइविंग आती है तो किस लिए सिखाई, इसलिए तो सिखाई है कि तू लेके जाएगी। तो आज इन तीनों को हम लेके जा रहे हैं, और स्पेशल इनके लिए क्या लगते हैं आप, वो उनके आपके वो सिस्टर, सिस्टर और दूसरा कौन कौन है फैमिली में, आपको दिखेंगे आगे। दिखाएंगे। ठीक है, चलो तो हम आपको वहाँ पे जाके सब मिलवाएंगे। उनका खेत भी अच्छा है तो वहाँ पे भी लेके चलेंगे, छोटा सा टूर करवाएंगे। चलो आ जाओ। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं यहाँ पे, और मैं आपको दो जन से मिलवाती हूँ जो मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं। उन्होंने मेरे को सब कुछ दिखाया उसका खेत वेत, और चलो मैं मिलवाती हूँ। हेलो, माय नेम इज निहार। यस, और आपका? हेलो, माय नेम इज छनक। आप कहाँ स्टडी करते हो? हम तो अभी यहीं पढ़ते हैं। कौन से स्टैंडर्ड में? अभी मैं 11th कॉमर्स। और आप? 8th में। चलो, सो गाइस, ये आलू है। ये सब जितना भी दिख रहा है ना, ये सब आलू उगाए हुए हैं। मैंने इनसे सब पूछा है, 3-4 महीने लगते हैं ना। अभी 3-4 महीने के बाद ये कटिंग निकल जाएगा, निकल जाएगा, यानी कि फरवरी एंड में उसके आसपास निकलते, अप्रैल में, अप्रैल में। अच्छा, ओके। ये सो गाइस, अभी तो इतना सब नहीं दिखेगा, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है। ये जहाँ तक नजर है सब आलू ही है, और इनके बहुत अच्छे आलू होते हैं, इनकी साइज वाइज सब बहुत अच्छा होता है। हम वो लेने ही आए हैं बेसिकली। नहीं, आप मूंगफली लेने आए? हाँ, दोनों लेने आए हैं। दोनों? हाँ। चलो, सो गाइज, अब ये तीनों है ना मेरे को गांव दिखा रहे जा रहे हैं, आपके ब्लॉग में कुछ अच्छा सा देखने को मिले और उनका गांव भी आप लोग देख सको। इसलिए जितनी नज़र पहुँचे सब आलू ही है। मैंने 3 बार पूछा है तो वो लोग यही बोलते कि यहाँ पे आलू है, सब आलू है, सब आलू, अभी और कुछ है ही नहीं, सीजन ही उसका है। देखो ये पूरी विलेज लाइफ, और कितनी शांति मिलती है यहाँ पे। कुछ बोलो। हेलो गाइस, आज हम दूसरी फसल देखेंगे। हाँ, ये वहाँ पे बहुत थोड़ी सी दूर है, और हम चल के जा रहे हैं। आपको ब्लॉगर को थकान नहीं होगी? नहीं होगी। और पूछना जरूर कमेंट में इनको थकान हुई कि नहीं बाद में, आपको पक्का मैं बताऊंगी। सो गाइज, अब ये लोग मेरे को पप्पैया का खेत दिखाने लेके आए, और मैं आपको पपैये दिखाती हूँ, कितने बड़े बड़े साइज के पपैये हैं, देखो उसको। और यहाँ का व्यू देखो आप, और ना मेरे को ये लोग बता रहे थे जो पपैये खरीदने आते हैं ना, वो ऐसे पक जाए तो वो उसको निकाल के फेंक देते हैं, और जो ऐसे कच्चे कच्चे रहते हैं ना उसको वो लोग लेके जाते हैं, बाद में अपने आप वो पक जाते हैं अंदर, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। ऐसे टाइप के जो है वो ले जाते हैं। अच्छा, इनको जब ले जाते हैं तो पक जाता है अपने आप। तो उनको ज्यादा सड़न होने का फेस नहीं करना पड़ता। अच्छा, ज्यादा सड़ता नहीं है। सब झाड़ पे ना एटलीस्ट 8-10 पपाये, उससे ज्यादा तो होंगे, उससे कम तो नहीं है, देख लो। वहाँ पे उससे भी बड़े दिख रहे हैं, और वहाँ सामने भी है। और बाकी जो छोटा छोटा है वो सब आलू है, और देखो ये छोटी सी। हेलो हेलो, हाय तो बोल दो, शर्मा रही है।
ये देखो कितने पड़े हुए यहाँ पे, सब उनको उन्होंने घिरा दी, और जो कच्चे कच्चे थे वो सब वो लोग लेके जाए, ऐसे पके वो सब छोड़ दे जाते हैं, फिर वो ऐसे कागज, हाँ, और वो अपने आप कागज में पक जाते हैं। ओके चलो अब कुछ और देखते हैं। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे गांव में क्या होता है, जो उनके घर होते हैं ना उनके पीछे वो छोटा सा गार्डन बनाते हैं जिसमें फल और वेजिटेबल्स बोलते हैं वो सब वो उगाते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं क्या कुछ किसको क्या बोलते हैं, लेकिन उसको पता है तो मैं उसको पूछती हूँ, वो बताएगा। हेलो गाइस, तो इसे कहते हैं नींबू, नींबू का पेड़। हाँ, अच्छा छोटा ये, हाँ अभी तो नहीं दिखेगा, फिर भी दिखेगा। ये आंवला है, अभी ये सीजन तो आ गई है उसको उगने की, इसमें उगे नहीं है। अच्छा मतलब सीजन तो आ गई है, अभी करंटली चल रही है। ओके, और सीताफल कहते हैं, अभी छोटा ही है। ओके, इसके बाद तो वो देखो चीकू और नॉर्मल ही जो घर को जो चाहिए किचन रेगुलर बेसिस पे रोज, हाँ तो वही है, उगता है नॉर्मली। यहाँ से एंट्री है गाइस, अब हम यहाँ के गार्डन में आ चुके हैं, आपको गार्डन का एंट्रेंस सिर्फ दिखाती हूँ, देखो ये देखो, कितनी शांति है यहाँ पे। ये अभी थोड़ी लाइटिंग कम है, शाम हो रही है इसलिए, यहाँ पे तो फोटोशूट तो वाह क्या मस्त होता है। और गाइस जो यहाँ पे जो मंदिर है ना उनकी बहुत सारी महिमा है, मेरे को इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे आंटी के जीजू है ना वो बोल रहे थे। और पूनम में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, खाने वाने का सब कुछ होता है यहाँ पे, प्रसाद भी मिलता है, मैंने आपको दिखाया ऐसा। और देखो ये क्यूटी, ओए ओए अस्तुति अस्तुति, हाय के तू मैंने हाय किए ने माने उधर चॉकलेट ऑफिस, हाय स्तुति, सॉरी मायरी, सब एक बार हाय कर दो, मास्टर तो सही क्यों आ बोलती न थी, अरे गौरी पण गाइस ये हमारी थोड़ी प्रॉपर गुज्जू भाषा है जो आपको शब्द में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग नॉर्मली ऐसे ही बात करते हैं यही लैंग्वेज में। कहाँ, चलो दादी भी दिखाती हूँ, हाय हाय हाय, चलो नदी भी है ऐसा भी बोल रहे हैं, देखते हैं। नहीं है ओली साइड से नदी, तो बहुत थोड़ी दूर है आगे, लेकिन ऊपर से सामने है ऐसा बोल रहे हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे,
अब हम लोग घर पे आ चुके हैं और आगे का थोड़ा व्लॉग था, लेकिन मैं वो आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरा फोन डेड हो गया था, उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। तो आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं और मेरी जो आंटी है ना वो आपसे कुछ कहने वाली, चलो सुनते हैं क्या कहते हैं वो। चलो पहले तो बताओ आप क्या बना रहे हो? पोहा। हम लोगों के लिए पोहा बन रहा है, इंस्टेंट प्लान। और आप क्या बताना चाहते हो खाने वाले हैं? और आप सबको क्या बताना चाहते हो? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यस, सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, गुड नाइट।